आज है भाई इबू का बर्थडे और आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इबू का बर्थडे। ये देखो ये बन रहे शूटिंग रोल। कल है भाई इबू का बर्थडे और हमारे कैंपर का बर्थडे है कल, तो उसके लिए हम कर रहे अभी तैयारी। और इतने सारे बैलून देख रहे हैं आप ये पीछे, तो भाई ये है मैं बनाऊंगा एक गेट, गेट बनाऊंगा मैं एक बैलून का। और हम ये खुद ही कर रहे हैं क्योंकि यार बैलून वाला आपसे लेगा 5,000 या 10,000 फट गया यार बैलून वाला, मैक्सिमम या मिनिमम जो भी है 5-10 हज़ार रुपए लेते वो इस चीज के। तो हम ट्राई कर रहे हैं कि हम खुद ही करेंगे ये चीजें। और इसकी मेरे को एक मेन चीज थी जो मैं तुम्हें बताऊं, इसका मेन होता इसका साइज। बैलून का अगर इक्वल साइज होगा सभी का ना तो ये सुंदर लगेगा। और उसके लिए मैंने रखे हैं ये दो पिल्लो, ये ऐसे। तो मैं तुम्हें करके बताऊं पूरा कैसे कर रहा हूं मैं। तो ऐसे देंगे एक गुब्बारा, गया। तो इस तरह से खुलवा के और इसको इसके बीच में से निकालूंगा मैं। ये यार बहुत ज्यादा हो गए, ये ऐसे और इस तरीके से इसके बीच में से निकालना। अब जैसे ये पूरा फंस रहा ना, थोड़ी सी निकाल के इस तरह से। तो आप जितने भी गुब्बारे हमने बनाए इस तरीके से बनाए हुए, यहाँ से चेक करेंगे और फेंकेंगे, चेक करेंगे और बनाएंगे, तो फिर सभी गुब्बारे का इक्वल साइज आएगा। अगर इक्वल साइज इनका होगा तो फिर आपका जो बैलून का गेट बनेगा वो मस्त बनेगा। ट्राई ये फर्स्ट टाइम कर रहा मैं भी ये, अब पता नहीं ये होगा हमसे नहीं होगा। पर तो यार अभी गुब्बारे तो हो गए ये पूरे, अब जब कम हो गए तो देखेंगे। तो अभी तैयारी करेंगे हम गेट बनाने की, तो चलो कोशिश करते हैं कैसे बनेगा गेट। ये बने वही पूल, फिर इसका बनेगा ये। अब गेट बनाने के लिए ना भाई आपको ये रस्सी, ये रस्सी 20-25 रुपए की मिलेगी आपको मार्केट में। और जो ये इवेंट वाले होते हैं उनके पास ये रस्सी कंसी एक रूप होती है उनके पास, ऑनलाइन मूल मिल जाती है। तो फिर वही हमें इस बर्थडे को एक बढ़िया बर्थडे बनाना और कम से कम बजट में सेलिब्रेट करना, तो ये मेन गोल है इस बर्थडे का। तो हम ये यूज़ करेंगे ना, वो जो रूप इवेंट वाली जो रूप है वो भी नहीं दिखेगी और ये भी नहीं दिखेगी। तो जब कोई चीज़ दिखेगी नहीं तो वो चाहे फैंसी हो चाहे जैसे भी हो उसका लगाने का कोई इतना मतलब नहीं, पर तो बाकी आप पे डिपेंड है। मैं ये यूज करूँगा, तो चलो दिखाऊँ मैं तुम्हें। अब इस रस्सी के लिए ना एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ से तुम इसका एक कॉर्नर बांध सको। अब चाहे फिर वो आप खिड़की ले लो, दरवाज़ा, कुछ भी थोड़ी सी खुली जगह हो जहाँ से आप एक कॉर्नर इसका बांध सकें। तो मैं यहाँ बांधूँगा बाहर, मैं दिखाता तुम्हें। तो यहाँ बांधूँगा मैं इसको, तो
चलो ये हुई रस्सी, अब इसके साथ बनेगा वो गेट। ये बंद रहा मैं पहला पूल बनाया हुआ इस तरीके से, फिर सीमेंट लगा दिया अब इसको ऐसे ऐसे, ये हो गया पहला पूल हो गया इसके बंद। ये देखो भाई ये कुछ इस तरीके से बन रहा, मस्त है ना। अभी इतना सा थोड़ा और बनेगा और फिर हो जाएगा पूरा। ये मैंने यार एक फट्टी सी ली है, इसके ऊपर मैं एक ये जो भी डेकोरेशन का सामान है इसको मैं सेलो टेप के साथ चिपका रहा, और ये इसको मैं बैकग्राउंड बनाऊंगा एक बढ़िया सा। ये देखो भाई मस्त है ना, ये थोड़ा बैकग्राउंड बन गया पीछे के लिए। अब इसको सेट करने के लिए ना मैं थोड़ा जुगाड़ लगाऊंगा। मैंने ये पीछे दो बॉक्स रखे हैं, मतलब पिप्पे हैं ये, तो ये कहीं भी आपको किसी भी शॉप पे कबाड़ी की शॉप पे मिल जाएंगे। इसमें मैंने मिट्टी भरी है, इसमें मैं दो यहाँ सोचा कि दो इसमें दो डंडे लगाऊंगा दोनों साइड में, और फिर उसके ऊपर इस फट्टी को बांध के फिर उसको पूरा सेट करूंगा। ये देखो कुछ ऐसे बन गया ना मस्त, ये बहुत सिंपल है यार। ये इसमें मैं मिट्टी भरी है, मिट्टी में दोनों में डंडे लगाए साइड को और ऊपर इसको बांध दिया। अब ये थोड़ा बैकग्राउंड हो गया। अब जो हैप्पी बर्थडे की जो वर्डिंग होती है उसको मैं इसके ऊपर लगाऊंगा सामने, जो डबल साइड टेप होती है उससे, और फिर देखते हैं कैसा बनेगा। ये भाई सब दीपू के फर्स्ट बर्थडे के हैं, ये ना यूज हो जाते हैं अगर इनको थोड़ा ध्यान से आप मतलब करेंगे ना यूज, तो ये रीयूज कर सकते हैं आप इनको। ये हमने ये फर्स्ट टाइम और ये कुछ सामान है ये भी, तो हम इसको ही बार बार यूज़ करें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है जैसा भी है। तो अगर आप भी अगर थोड़ा ध्यान से करेंगे तो ये रीयूज हो जाता है ये। तो भाई ये है कुछ अपना सेटअप इस तरह के, इसमें गुब्बारे लगाऊंगा मैं भी थोड़े से, और फ्री डिजाइन कुछ इस तरीके का है ये देख लो। ये चाहे तो पूरा गेट बना लो इस साइड को भी, पर मैं कुछ यहाँ कुछ और डिजाइन करना था तो फिर मैंने इसको इस तरीके से रखा आधा सा। तो ये देख लो भाई कैसा लग रहा है ये। यार अभी थोड़ा सा काम हो गया इसका, थोड़ा क्या फाइनली हो ही गया ये, अब बस नीचे बर्थडे लिखना है और बाकी तुम देख लो कैसा लग रहा तुम्हें। ये थोड़ा पीछे से दिखाओ मैं तो, ये देखो कैसा लग रहा भाई, ठीक है। ये जितना भी हैप्पी बर्थडे ये पीछे ये सब रीयूज आइटम है जो एक बार हमने मंगवाई थी, उसके बाद मैंने फिर से नहीं मंगवाई। सिर्फ बैलून है जो इस बार हम लेके आए हैं, और बाकी भाई कुछ इस तरीके की डिजाइनिंग है अपनी। ये देखो ये ऐसे, ये देखो ऐसे,
तो भाई ये तो फाइनली रेडी है, इसमें बस बर्थडे लिखेंगे हम। और अभी करते हैं खाने पीने की तैयारी, तो चलो भाई खाने के लिए बनाते हैं कुछ मस्त। ये मसाला भाई स्प्रिंग रोल के लिए, इसके बनाऊंगा मैं स्प्रिंग रोल, तो रेसिपी मैं आपको बाद में बता दूंगा यार, क्योंकि अभी टाइम शाम होने को यार बनाने को अभी बहुत कुछ है। मोमोज हमने रेडी कर लिए हैं, स्प्रिंग रोल, और एक ट्राई करेंगे हम आज पिज्जा, उसको बनाएंगे हम होममेड ओवन में जो मैंने मिट्टी का बनाया हुआ नीचे, आज ही फर्स्ट टाइम उसको ट्राई करेंगे, तो देखते हैं। तो पहले मैं स्प्रिंग रोल बनाऊँ फिर बताता हूँ आपको। ये मसाला है भाई जो मैं क्या बोलते हैं स्प्रिंग रोल के अंदर डालूंगा, तो बना रहा हूँ। ये देखो भाई ये बन रहे स्प्रिंग रोल मस्त ना, ये देखो अब करेंगे इनको फ्राई। ये भाई थोड़ा सा काम रह गया था, बर्थडे लिखना था हमने, तो अभी लिख रहे हैं हम। ये देखो तो कुछ इस तरीके से लग रहा भाई नाइट में, तो कैसा लग रहा भाई आपको ये सिस्टम, मस्त है ना, लाइटें पसंद आई आपको? मैंने फर्स्ट टाइम किया यार, पर मेरे को ना मैं खुद बताऊं तो मेरे को खुद को सुंदर लग रहा है ये। हाँ मतलब जैसा सोचा था वैसा हो गया, 80-90% तो हो ही गया, थोड़ी बहुत कमी रही होगी, तो अब थोड़ा तो क्या कर सकते, अभी नए नए सीखे हम ये चीज़। मस्त लग रहा है यार वैसे। ये हमारा छोटा सा गार्डन, ये देखो ये मैंने जो मेरी कैंपिंग की लाइट है वो यूज़ की है यहाँ पे, और उससे फिर तो ये भाई कुछ अभी का सेटअप। खाना वगैरह भी रेडी है थोड़ा सा हम, तो भाई हमने सोचा था आज पिज्ज़ा बनाएंगे, पर नहीं बन, मतलब बन तो गया उसका सामान वगैरह सब कुछ, पर जो हमारा ओवन है वो रेडी नहीं है, वो हमने खुद बनाया घर पे, तो कभी फिर दिखा दूँ मैं आपको क्या बनाया हमने, कैसे बनाया। जब भी बनाएंगे तो ज़रूर दिखाऊंगा मैं आपको क्या बनाया हमने, वो पिज्ज़ा के लिए बनाया था हमने, तो पिज्ज़ा तो नहीं, बाकी स्प्रिंग रोल और मोमोज हमने खुद तैयार कर लिए हैं, बाकी ये सेटअप देख लो, ये भी हमने खुद तैयार किया, तो काफ़ी पैसे बचा लिए हमने वैसे तो इस चीज़ को खुद करके। बाकी आप बताना कैसा लगा आपको ये सेटअप पूरा। ये देखो हमारे बर्थडे बॉय हैं, बैलून है, तो चेयर लगाई तो है पापा ने, आप इधर आ जाओ, यहाँ लगाओ अपने कुछ ही। हाँ वो मेरे तो छे नहीं, ये लो, चलो चलो जाओ भैया कर देगा सेटिंग। अच्छे बैठते हैं, ओके हमें नहीं था पता कि तू मैं नीचे हूँ। रुको एक मिनट, रुको, ये रखा मैंने ऐसे मत करो, वो अभी खराब जाएगा, ऐसे मत करो। जा मम्मी कितनी गई, हाँ हाँ जा, अभी नहीं जा।
अंदर नंबर क्यों चल जल्दी जोर से जोर से जोर से जोर से जोर से जोर से ये खा ले खा ले जो खाना कौआ चुचू आया चुचू आया कर लिया चुचू अच्छा चलो अगला ए नहीं काटना चलो मामू है मामू फोटो दे लो थोड़ा सा खा लो थोड़ा सा खा लो फोटो ले लो ये चली भाई पार्टी ये हो रही पार्टी चॉकलेट आप क्यों जा रहे हो ये हो रही भाई पार्टी इबू के बर्थडे की पार्टी आपकी सारी चीज बना दे पापा लो मम्मी इस चीनी अंडा इस वाले चीनी अंडा दो है छोड़ा नहीं नहीं आने इबू की बर्थडे पार्टी छोटी सी और इस वीडियो को मतलब यूट्यूब पे डाल रहा मैं अभी और इसको डालने का सिर्फ एक ही था मेरा मतलब मेरे दिमाग में जो था कि तुम जो 10,000 5,000 या 20,000 15,000 जो भी मतलब आप इवेंट वाले को देते होंगे तो वो ना देखे अगर आप ये काम खुद करेंगे ना तो आप पैसे भी सेव करेंगे और आपको एंजॉय भी बहुत आएगा तो ट्राई करना यार अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे होंगे तो ट्राई करना आप भी ये कर सकते हैं अब ज़्यादा इतना अच्छा था नहीं था वो आप कमेंट करके बता देना मेरे को पर ज़रूरी नहीं कि तुम एक इवेंट डेकोरेशन वाला बंदा हायर करें उसको 10-20,000 रुपए दें हाँ अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है वो अलग बात है अगर तुम्हारे पास टाइम है और तुम ये कर सकते हो तो
खुद अपने बर्थडे मतलब जो भी आपके घर में बर्थडे हुआ किसी का, उसके लिए आप खुद ये डिज़ाइन करें, सब कुछ करें, तो उसमें बहुत ज़्यादा इन्जॉय आता है यार। मैंने खुद इन्जॉय किया इस बर्थडे को, सभी ने काम किया इसमें, मैं अकेला नहीं था, सभी ने काम किया खाने में, बनाने में या इसको डिज़ाइन करने में, सभी ने काम किया। तो आपकी फैमिली में भी अगर सारे सब जब साथ मिल के काम करेंगे तो इन्जॉय कर पाएंगे आप, इसमें पैसा भी कम लगेगा, इन्जॉय भी ज़्यादा आएगा, और अपने खुद से किए हुआ काम हमेशा मतलब अच्छा ही लगता है आपको। कमी रही होगी उसमें तो कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम था हमारा भी, तो आप भी ये ट्राई करना, आप भी कर पाओगे। तो जैसा भी रही होगी वीडियो कमेंट कर देना आप, और ई बुक के लिए विश ज़रूर करना। उसका बर्थडे था, 3 साल का हो गया, वो हमारा लिटिल कैंपर है, वो कैंपिंग करता है हमारे साथ 2.5 साल से, मतलब 2.5 साल नहीं शायद 1.5 साल, 1.5 साल का था जब उसने फर्स्ट टाइम हमारे साथ कैंपिंग की थी। जंगल में रहा था, जंगल में उसने अपनी लाइफ स्पेंड की अपनी। तो इस तरीके का था भाई हमारा कुछ ये डेकोरेशन और ये बर्थडे पार्टी। तो पसंद आई होगी आपको तो ज़रूर सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को और लाइक ज़रूर करना। बाय बाय।